हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रियांश गैराज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑल न्यू हुंडई वर्ना 2023 न्यू फेसलिफ्ट वर्जन के सामने। और अभी आप देख रहे हो इसका 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। और गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी स्पोर्टी से लुक्स देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस गाड़ी की लाइटिंग के बारे में, इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर तक इसमें आपको कितनी सारी लाइट्स ऑफर की जाती हैं, उसका जो थ्रू है वो आपको कैसा कुछ देखने को मिल जाता है। फ्रंट से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसी कुछ फ्रंट प्रोफाइल मिलेगी। इसका जो बोनट एरिया वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा यहाँ पर रखा गया है, जिस वजह से काफ़ी स्पोर्टी से आपको यहाँ पर लुक्स देखने को मिलते हैं। सेंटर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा सा हुंडई का लोगो आपको बोनट पे दिया जा रहा है। और सामने से आप देखेंगे तो इतनी बड़ी सी मिलती है आपको DRL, जो कि रात में जलती तो काफ़ी ज़्यादा इनहेंसर, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। नीचे की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको ग्रिल मिलती है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। एंड यहाँ पर आपको फ्रंट में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर किए जाएंगे इस हुंडई वर्ना के न्यू फेसलिफ्ट वर्जन में। नाइट विजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ऑफर किए जाएंगे। इसमें भी आपको DRL एंड फुल LED का सेटअप, नीचे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने में जाती है। अगर इसका मैं एक बार आपको थ्रो दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स में ऐसा कुछ थ्रो मिल जाएगा। ये अभी लो बीम पे, हाई बीम करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर थ्रो मिल जाएगा। तो सामने उसमें काफ़ी शार्प से आपको लुक्स मिलने वाले हैं। एंड ये जो उसकी जो पूरी सामने की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी रात में आपकी। और नीचे आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स भी ऑफर किए जाएंगे। तो सामने से आपको ओवरऑल ऐसा कुछ फ्रंट फेशियल नजर आएगा इसकी हुंडई वर्ना के न्यू फेसलिफ्ट वर्जन में। अब अंदर बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ सामने से आपको कितनी अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है। तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर और सामने से आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया सा आपको विजिबिलिटी मिलेगी। बम्पर टू बम्पर आप इसको आराम से ड्राइव कर पाएंगे। एंड अगर यहाँ पर लाइटिंग की बात कर लिया है तो जैसे कि मैं यहाँ से अभी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो ये इसकी लो बीम एंड ये इसकी हाई बीम। और सामने देखेंगे आपको तो इतनी अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी रात जब इसको आप ड्राइव करेंगे तो काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। और सामने की जो पासिंग वो भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की लाइटिंग की। तो रात में आप जब गाड़ी को ड्राइव करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको जो एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है वो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर AC वेंट्स में आप देखेंगे तो ऐसी कुछ आपको लाइटिंग देखने को मिल जाती है। और सबसे मेन इसमें जो यूनिक चीज़ यहाँ पर की गई है हुंडई वर्ना में न्यू फेसलिफ्ट में, यहाँ पर आपको डोर्स में ऐसी कुछ लाइटिंग मिलती है जो रात में जब गाड़ी को आप ड्राइव करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा एंड माहौल भी काफ़ी ज़्यादा बनने वाला है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर आपको ऐसी कुछ लाइटिंग, ऊपर आपको सनरूफ मिल रही है पहले जैसे ही। और यहाँ अगर क्लस्टर की बात कर लिया तो ऐसा कुछ आपको फुल डिजिटल मिलता है इसमें क्लस्टर। एंड यहाँ पर आपको कर्व मिलती है इसकी, टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और गाड़ी को ड्राइव करते हुए आप इसको आराम से देख पाएंगे। और अगर इसके फीचर्स की बात कर ली जाए तो इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्पीकर्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 8 स्पीकर्स ऑफर किए जाएंगे इसके न्यू फेसलिफ्ट वर्जन में। नीचे आपको ऐसे कुछ AC के सारे कंट्रोल्स, इसमें एक काफ़ी यूनिक फीचर मिलता है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो इसमें मिलते हैं आपको AC के कंट्रोल्स, देन इसको आप दोबारा से जब प्रेस करेंगे तो इसमें आपको टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम के भी कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको काफ़ी सारे यहाँ पर फीचर्स नए इसमें एड ऑन किए गए और काफ़ी यूनिक भी हैं। और इसमें आपको ड्राइविंग करते वक्त काफ़ी मदद भी मिलेगी। नीचे मिलते हैं आपको यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स के बटन और यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। गाड़ी के रिवर्स कैमरे की बात कर लें तो इसको आप प्रेस करके, और ये इसका कुछ रिवर्स कैमरा है, इसको और भी बेटर कर सकते थे। यहाँ पर मुझे क्वालिटी थोड़ी सी कम लगी, बाकी इसको अगर और भी इम्प्रूव करते तो ज़्यादा अच्छा होता। एंड अभी आप देख रहे हैं इसके मैनुअल ट्रांसमिशन को, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपके पास है। और यहाँ पर मिलता है आपको मैनुअल हैंड ब्रेक और ये इसका फ्रंट आर्मरेस्ट। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे और रियर सीटिंग देखते हैं बैठ के कितना कुछ आपको यहाँ पर लाइट देखने को मिल जाती है। भाइयों, अभी हम आ चुके हैं इसकी रियर सीटिंग्स पे और पीछे से बैठ के आपको सामने का डैशबोर्ड ऐसा कुछ नजर आएगा और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इसकी लाइटिंग की वजह से। एंड ये लाइटिंग्स को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर आपको कलर ऑप्शन एंड मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। पीछे की सीटिंग की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको लेग स्पेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। रियर में आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं, ये इसका फ्रंट आर्मरेस्ट। और नीचे आपको Type-C to Type-C चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको बोस के स्पीकर्स ऑफर किए जाएंगे, साउंड आउटपुट आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाता है। और इसकी सीटिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल है और इसकी जो सीटिंग है वो काफ़ी रिक्लाइन है, तो आप जब गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो काफ़ी आपको आराम से बैठ पाएंगे एंड काफ़ी कंफर्टेबल भी सीट्स आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। टेल लैम्प्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो LED में आपको टेल लैम्प्स ऑफर किए जाएंगे जो कि आपके बूट से कनेक्टेड है, तो काफ़ी बड़ी सी आपको यहाँ पर LED का सेटअप मिल जाएगा। और रात में जब ये जलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा थ्रो एंड विजिबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया मिलेगी। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ डिज़ाइन मिलती है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स
ऑफर किए जाएंगे इस हुंडई वर्ना के न्यू फेसलिफ्ट वर्जन में। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेंटर में आपको वर्ना की बैजिंग एंड यहाँ पर आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है। इसी के जस्ट नीचे आपको रिवर्स कैमरे की प्लेसमेंट एंड यहाँ पर आपको दो लाइट्स भी ऑफर की जा रही हैं। इधर साइड में मिलता है आपको 1.5 टर्बो की बैजिंग। गाड़ी के बूट स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको बटन जिसको आप प्रेस करके अपने बूट को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये है इसका कुछ बूट ओपनिंग एरिया और यहाँ पर आपको लैंप वगैरह भी ऑफर किया जाएगा एंड यहाँ पर आप स्पीकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर दिख जाएगा। स्पेस की बात करें तो काफ़ी डीप स्पेस आपको इसमें मिलने वाला है तो सामान रखने में काफ़ी मदद मिल जाएगी आपको। नीचे मिलता है आपको स्पेयर व्हील एंड टूल किट। दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको काफ़ी बढ़िया लाइटिंग कंडीशन मिल जाती है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों में ही। सामने आपको जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ऑफर किए जा रहे हैं उनका थ्रू रात में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा एंड पीछे आपको जो LED टेल लैम्प्स ऑफर किए जा रहे हैं बूट से कनेक्टेड वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। काफ़ी शार्प डिज़ाइन आपको पीछे से देखने को मिलता है। जब गाड़ी को रात में लेकर निकलेंगे तो रोड प्रेजेंस का काफ़ी अच्छा आने वाला है और इसकी जो लेंथ ये बढ़ाई गई है वो भी काफ़ी इनहेंस एंड काफ़ी स्पोर्टी से लुक सकते हैं। तो यही थी हमारी ऐसी वीडियो। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जो बताएगा। वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कर देगा। मैं प्रिंसिपल आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।